डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद होती है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप बीकॉम के एग्ज़ाम देते हैं या इंटर के एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं उसके। आपने कहा सर दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। तो पास होने के चांसेस कितने परसेंट? 50%। और फेल होने के चांसेस भी कितने परसेंट? 50%। यानी कोई एफर्ट अप्लाई किए बिना, अगर हम विदाउट एनी बायसनेस उसको अगर देखें, तो किसी भी इवेंट के करने से जो मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको हासिल होते हैं उसके चांसेस को, उसकी परसेंटेज को अगर आप मालूम करना चाहते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, तो वो क्या बन जाती है? आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बस उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते, 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले तक का स्टेप जो होता है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताऊँ तो कुछ इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है। प्रोबेबिलिटी मीन्स मेजरमेंट ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट रेंजिंग बिटवीन 0 और 1। यानी किसी भी इवेंट के, अगर आप कोई इवेंट करते हैं और उस इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं, जो भी आपने उसमें कंडीशन अप्लाई की, उस कंडीशन के होने के जो चांसेस होते हैं उस चांसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं, जो कि 0 से 1 के दरमियान होती है। ठीक है, और अगर इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से 100 के दरमियान होगी। जाहिर सी बात है आपकी जो परसेंटेज होती है वो 0 से 100 के दरमियान परसेंटेज होती है। तो इसी तरीके से आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी 0 से 1 के दरमियान होती है, क्योंकि आप उसे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते। तो प्रोबेबिलिटी से मुराद है कि किसी भी काम के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। चांसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक, चलें अब ज़रा प्रोबेबिलिटी के सवालात के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो इससे पहले तो ज़रा ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है। एक छोटा सा मुख्तसर सा यहाँ पर फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। जो भी इवेंट आपको बताया जाएगा वो इवेंट यहाँ पर शो किया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ए से मुराद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। जो भी आपको काम दिया गया उस काम को इवेंट ए का नाम दिया गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए। यानी जो भी नंबर होंगे इवेंट ए के, इवेंट ए जो भी होगा उसके जो नंबर्स होंगे उसको आप न्यूमिनेटर में रखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। एस मीन सैम्पल स्पेस। यानी जो भी सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटपुट को। यानी किसी भी काम के जो मैक्सिमम रिजल्ट होते हैं उनकी लिस्ट में जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो किसी भी काम के जो मैक्सिमम ऑप्शंस होते हैं उससे आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक, मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपसे कहा कि बीकॉम में आप जब पेपर देते हैं तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? तो मैक्सिमम रिजल्ट 2। तो सैम्पल स्पेस की जगह पर आप क्या रखेंगे? 2 पुट करेंगे। ठीक है, और पास होने के चांसेस क्या है? पास होने, यानी मैंने कंडीशन क्या आपको बताई है पास होने की। तो पास होना आपका इवेंट ए है, तो इवेंट ए का रिजल्ट कितना होगा? 1। यानी 2 में से 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो पास या तो फेल। तो पास होने की ऑप्शन नंबर 1, फेल होने का ऑप्शन 2। यानी एक ऑप्शन पास का और एक ऑप्शन फेल का। तो पास होने का ऑप्शन 1 आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? टोटल ऑप्शन से, यानी कि 2 से। यानी 1 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 0.5। या इसको कह सकते हैं आप, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसे कह सकते हैं कि 50% चांसेस हैं पास होने के। ठीक, अब हम एक सवाल देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हमें बात समझ में आएगी। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले भी एक लेक्चर में कॉइन की बात की थी जिसमें हमने 3 times कॉइन को टॉस किया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 head। यहाँ पर आपसे प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए कह रहे हैं, यानी आपसे चांसेस की बात कर रहे हैं कि कितने चांसेस हैं कि एक हेड आएगा। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 heads विल अपेयर। कम से कम 2 heads जो हैं वो आने चाहिए, इसके क्या चांसेस होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड।
क्या चांसेस हैं कि एक भी हेड ना आए. और नंबर फोर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, कि कम सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल जो है वो आपके ऑप्शन में आए. अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं. ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बार सैम्पल स्पेस डिस्कस किया था थ्री कॉइन्स का, तो ये वही सैम्पल स्पेस बना हुआ है थ्री कॉइन्स का. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो दरख्वास्त है कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमने सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनाया है. ये सैम्पल स्पेस बना हुआ है, ये सैम्पल स्पेस किस तरीके से बना, इस ट्री डायग्राम की मदद से बना, और ये ट्री डायग्राम किस तरीके से बनी है. अगर आप मेरा वो लेक्चर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी. ये सैम्पल स्पेस मैंने यहाँ दोबारा कॉपी किया हुआ है क्योंकि इसी की बुनियाद पर मुझे अपना पूरा सवाल सॉल्व करना है. पहली कंडीशन उन्होंने कही थी एग्जैक्टली वन हेड, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि आप जब तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो एक हेड आ जाए. देखिए पहला काम क्या है, पहला काम तो आपका ये है कि सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे. ठीक, इसके बाद दूसरा काम यह है कि जो कंडीशन वो आपको बता रहे हैं उसका सैम्पल स्पेस बना लीजिए. कंडीशन क्या दी उन्होंने, एग्जैक्टली वन हेड. तो पहले तो ये मालूम कीजिए कि ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जिसमें एक हेड आए, एग्जैक्टली वन हेड. इसमें तीन है, इसमें दो हैं, इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है. हमें दो हेड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक हेड चाहिए. इसमें एक भी नहीं है, हाँ इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें एक है. इन तीनों में एक एक हेड मौजूद है और वो भी ये कह रहे हैं एग्जैक्टली वन हेड. एग्जैक्टली से मुराद ना एक से ज़्यादा हेड हो और ना ही एक से कम हेड हो. तो ये उन्होंने आपको कहा कि ये आपकी कंडीशन है. तो इस कंडीशन को हम कह रहे हैं इवेंट ए, जो वो आपको कंडीशन बता रहे हैं, जो वो शर्त रख रहे हैं, उसको आप कह दीजिए इवेंट ए. तो मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ इवेंट ए, और इवेंट ए के ऑप्शंस कितने हैं, थ्री ऑप्शंस हैं. ठीक, अब देखिए दो ऑप्शंस होगा, दो रिजल्ट्स होगा आपके पास. एक जो उन्होंने आपको इवेंट दिया इवेंट ए, उसके रिजल्ट्स कितने हैं, उसके रिजल्ट्स हैं थ्री. और जो टोटल रिजल्ट्स थे विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के सिर्फ तीन कॉइन्स को टॉस करें, ना हेड ना टेल, कुछ नहीं जानना मुझे, तीन कॉइन को टॉस करूं तो क्या रिजल्ट होगा, तो उसका रिजल्ट कितना है, एट. तो दो बार आपको सैम्पल स्पेस बनाना है, नंबर वन विदाउट एनी कंडीशन एंड नंबर टू विद कंडीशन. तो ये जो सैम्पल स्पेस है ये विदाउट एनी कंडीशन, बिना जाने कि हेड चाहिए या टेल चाहिए या क्या चाहिए, कुछ भी जाने बिना सैम्पल स्पेस बनाया. और फिर दूसरी बार हमने जब सैम्पल स्पेस बनाया वो उनकी कंडीशन के मुताबिक, उन्होंने कंडीशन क्या बताई आपको, एग्जैक्टली वन हेड, कि एक हेड होना चाहिए. तो एक हेड के मुताबिक तीन सैम्पल स्पेस यहाँ पे बनते हैं, यानी सैम्पल स्पेस में तीन इवेंट्स आते हैं, इसके अंदर रिजल्ट आते हैं. अब फॉर्मूला पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए यानी नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय एन एस यानी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. तो देखिए इवेंट ए के जो नंबर आए हैं, इवेंट ए के नंबर कितने हैं, थ्री है, और सैम्पल स्पेस के नंबर कितने, काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट, यानी थ्री डिवाइडेड बाय एट. ये आपका फॉर्मूला हो गया, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया आपने, थ्री डिवाइड बाई एट, सिंपली डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.375. और अगर आप इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 37.5%. यानी अगर आप एक कॉइन को थ्री टाइम्स टॉस करते हैं या थ्री कॉइन को आप वन टाइम टॉस करते हैं तो उसमें एक हेड आने के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट हैं, मैं आपको परसेंटेज में बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो. 37.5% चांसेस हैं कि एक हेड आ जाए. 37.5% चांसेस हैं कि जब आप तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें से 37.5% चांसेस हैं कि एग्जैक्टली एक हेड आ जाए. ठीक, ये आपने पहला रिजल्ट उन्हें बता दिया. अब आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पर. सेकंड में उन्होंने कहा एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड हों. तो पहले तो ज़रा चेक करते हैं. देखिए एटलीस्ट का मतलब याद रखिएगा कि दो या दो से ज़्यादा इज इक्वल टू टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा लेकिन दो से कम ना हो. तो देखिए इसमें दो या दो से ज़्यादा हेड मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, दो भी हैं, दो से ज़्यादा भी हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हेड हैं, इसमें भी दो हेड हैं, इसमें दो से कम है, दो से कम नहीं चलेगा, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए.
इसमें भी दो से कम है, नहीं चलेगा। इसमें भी दो से कम है, नहीं चलेगा। इसमें तो है ही नहीं बेचारे में, गरीब आदमी, तो ये भी नहीं चलेगा। तो पहले तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा हेड मौजूद हैं? ऐसे टोटल चार ऑप्शंस हैं, ये चारों ऑप्शन ऊपर वाले। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसे मैंने नाम क्या दिया, इवेंट बी का, क्योंकि ये सेकंड, उन्होंने इवेंट आपको बताया सेकंड कंडीशन दी, तो इवेंट बी का आपने ऐसे नाम दिया और इसमें चार ऑप्शंस पुट कर दिए। फॉर्मूला क्या बनेगा? अब फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इवेंट बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इवेंट ए आप यहाँ पर लिखते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते। ये जहन में रखिएगा कि जो इवेंट आप यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी के साथ भी वही लिखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी, यानी नंबर ऑफ इवेंट बी, तो जाहिर सी बात है क्योंकि आपने बी की बात की है तो नंबर ऑफ इवेंट बी पुट करेंगे आप यहाँ पर, एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो बी के कितने नंबर्स हैं इवेंट बी के? इवेंट बी के 1, 2, 3, 4, 4 नंबर्स हैं, और सैम्पल स्पेस के फिक्स हैं 8 नंबर्स। तो 4 डिवाइड बाई 8 आंसर कितना आता है? 0.5, यानी 50% चांसेस हैं कि दो हेड आएंगे, 50% चांसेस हैं कि दो हेड आएंगे। ठीक, अब आते हैं हम अगले ऑप्शन पर। थर्ड कंडीशन उन्होंने आपको क्या दी? नो हेड, एक भी हेड नहीं आए। यानी कि ऐसे कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, यानी अगर आप कॉइन को टॉस करें, 3 टाइम्स टॉस करें कॉइन को, या 3 टाइम्स जो है 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करें, या एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें, तो क्या चांसेस हैं कि एक भी हेड ना आए? ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें एक भी हेड नहीं है? भाई एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी टेल टेल टेल। तो इसे मैं नाम देता हूँ इवेंट सी का, और एक ही ऑप्शन बनता है इसमें टेल टेल टेल। फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइड बाय एन एस। वैल्यूज पुट कर दीजिए। सी के जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं, सी का रिजल्ट कितना है? एक ही रिजल्ट आपके पास आया है, तो नंबर सी का आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1, एंड देन डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस के नंबर कितने हैं? 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर से आपने इन्हें डिवाइड कर दीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आता है 0.125, यानी कि 12.5% चांसेस हैं कि एक भी हेड ना आए। ठीक, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं अपने। लास्ट उन्होंने कहा था एटमोस्ट वन टेल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, यानी एक से ज़्यादा टेल ना हो। एक से कम होगा तो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले ये चेक करते हैं कि कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें एक या एक से कम टेल है, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक से कम। एट मोस्ट का मतलब समझिएगा भाई, देखिए आमतौर पर हमें समझ में आता है मोस्ट, मोस्ट का मतलब सर ज़्यादा होता है, नहीं, ये एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक से कम हो तो चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा टेल नहीं होने चाहिए, यानी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो इसमें एक से ज़्यादा होगा ओ हो तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसमें भी एक से ज़्यादा होगा, इसमें भी एक से ज़्यादा टेल होगा, देखिए टेल की बात कर रहे हैं, और इसमें भी एक से ज़्यादा, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टेल होगा भाई, बहुत ज़्यादा तेल हो गया इसमें, ज़्यादा तेल लेते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसमें जो है वो तेल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये खाना जो है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर आते हैं, इसमें एक तेल है, हाँ जी चलेगा, इसमें भी एक तेल है, ये भी चलेगा, इसमें भी एक तेल है, ये भी चलेगा, इसमें एक भी नहीं है, ये तो ज़्यादा बेहतर है कि तेल हो ही ना बिल्कुल खाने में, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो कह रहे हैं भाई एक से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए, तो ये चार ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें एक भी टेल मौजूद नहीं है। तो इवेंट बी को हम दे देते हैं यहाँ पर नाम, और इसमें चार ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए जिसमें एक एक टेल हो या एक से कम हो। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपको। फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी डिवाइड बाई एन एस। तो डी के इवेंट्स कितने बनते हैं, यानी जो डी इवेंट है इसका जो ऑप्शंस आए आपके पास 4, तो मैं d की जगह पर पुट करता हूँ 4, एंड देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो के हैं 8, जस्ट डिवाइड कर दीजिए 0.5, यानी कि 50%। तो ये एक मुख्तसर सा छोटा सा सवाल था कॉइन्स के हवाले से। अब आपके पास इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ सवालात वो कॉइन्स के साथ बना सकते हैं, जो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट की। हो सकता है वो कह दें कि एग्जैक्टली 3 हेड्स, या हो सकता है कि वो कह दें कि भाई एटलीस्ट 2 हेड्स, या हो सकता है कह दें भाई कि एटमोस्ट 1 हेड, कुछ भी वो आपको कंडीशन दे सकते हैं, कुछ भी, वट एवर, बस
तो यही तरीक़ेकार आपको अख्तियार करना है। दो काम क्या करने हैं, सबसे पहले तो अपना सैम्पल स्पेस बनाना है विदाउट एनी कंडीशन, ये जाने बिना कि वो क्या मांग रहे हैं, हेड मांग रहे हैं या टेल मांग रहे हैं, पहले सैम्पल स्पेस बनाना है। और दूसरे स्टेप में जो वो कंडीशन दे रहे हैं उस कंडीशन के मुताबिक सैम्पल स्पेस बनाना है, ये दूसरा स्टेप होगा। और फिर कुछ नहीं करना, फिर दोनों सैम्पल स्पेस के नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देना है। बस ये जहन में रखिएगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के दरमियान हो, यानी 0 हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 1, एग्जैक्टली 1 पे आके स्टॉप हो जाए। अगर आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, इट मींस के आपने मिस्टेक की। या अगर आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ग्रेटर देन हो जाता है, यानी 1.2, 1.5, 3.8 कुछ भी हो जाता है, 1 से बड़ा हो जाता है, तो भी आपने मिस्टेक कर दी। ठीक, अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 होता है तो इसका मतलब यह है कि उस इवेंट के होने के कोई चांसेस नहीं हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 होता है तो इसका मतलब उस इवेंट के होने के कोई चांसेस नहीं हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर सवाल में वो आपसे कहते हैं कि एट लीस्ट फोर हेड्स, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि 4 हेड हो। क्यों? क्योंकि तो 4 के तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, सारे ऑप्शन 3-3 के हैं, तो 4 हेड्स का तो ऑप्शन मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर जब आप प्रोबेबिलिटी अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसका सैम्पल स्पेस कितना बनेगा, 0, नल सैम्पल स्पेस 0। तो जब सैम्पल स्पेस नल हो गया तो 0 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की 0 होती है, इसका मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, यानी हो नहीं सकता। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो श्योर इवेंट है, 100% इवेंट है, यानी कि वो इवेंट लाजमी तौर पर अगर होगा, 100% होगा। ठीक, तो ये छोटी सी बातें थी। आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा काफ़ी हद तक, या थोड़ा बहुत जो भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।